शिवपुरी में चुनाव परिणाम आने से पहले विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अपनी चुनावी विजयश्री के लिए अपने गुरुओं और आचार्यों से पूजा पाठ और विशेष अनुष्ठान और पाठ करवा रहे हैं। दरअसल कराहल में कुछ दिनों से इसी तरह की पूजा पिछले 2 महीनों से लगातार चल रही है। कराहल में रहने वाले शास्त्रियों के अनुसार ज्ञाता पंडित बटुक आचार्य और उनके सहयोगी चुनाव लड़ने वाले करीब 18 यजमान प्रत्याशियों की जीत की कामना को लेकर किए जाने वाली विशेष पूजा करने में जुटे हैं। पंडित बटुक आचार्य का कहना है कि उनके राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी के लिए 18 परिचित नेता जो विधानसभा चुनाव में खड़े हैं, उनके कहने पर उनकी जीत के लिए गुप्त पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के लिए उन्होंने दूसरे प्रदेश से अपने शिष्यों को चुनावी पूजा के लिए बुलाया है, जो करीब 7 घंटे तक मंत्रोच्चारण करते हुए उम्मीदवारों के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारा कर्म और कर्तव्य है, यजमान ने यदि हमें आचार्य नियुक्त किया है किसी भी उद्देश्य के लिए, तो हमें कठोर से कठोर प्रयत्न करके अच्छे से अच्छा फल उसको मिले तो करना भी चाहिए और करते भी हम लोग। लेकिन 15 से 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जो चुनावी माहौल से टोटल जुड़े हैं और वो पद के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे संकल्प दे चुके हैं कि अच्छा नाम बताएंगे कुछ राजस्थान? नहीं नहीं, क्षमा करना, नाम तो हम किसी का भी नहीं बताएंगे, ना ये कहेंगे राजस्थान से है कि एमपी से है कि झारखंड बाहर से है, क्योंकि ऐसा हमारा अनुष्ठानिक नियम भी होता है और ये सब गुप्त ही रहता है। इसके अलावा ये एक अलग प्रक्रिया है, तो ना कहा जाता ना बताया जाता, नाम केवल मन में ही और प्रभु तक पहुंचाने का हमारा कर्म है, परमात्मा कितना स्वीकार करता है वो जाने। बटुक आचार्य ने मेरे को कॉल किया था यज्ञ अनुष्ठान के लिए, तो मैं उनके पास आ गया और पर डे हमारा 7 घंटे अनुष्ठान चलता है। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं आप? ये चुनावी माहौल चल रहा है उसके लिए जो कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए हैं उनके लिए संकल्प लेके उनके नाम से जीत के लिए अच्छा। जीत के लिए संकल्पित द्वारा उनके लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। पर डे 7 घंटे अनुष्ठान यज्ञ चलता है और विजयश्री प्राप्त होगी उनके लिए, ये हमारा ऐसा मंत्रों द्वारा मानना है। किस उद्देश्य के लिए यहाँ आए? जो हमारे करहाल में बटुक आचार्य जी महाराज हैं, उनने बुलाया मुझे। किस कार्य के लिए? अनुष्ठान के लिए, चुनावी माहौल में चल रहा है, जीत के लिए। और हम सुबह सुबह शाम यज्ञ करते हैं, पाठ भी करते हैं, माला जप भी करते हैं। अच्छा, कितने लोग आपके साथ आए हैं? हमारे साथ ही हैं, सब विशेष से लोग हैं, हम 15-20 लोग हैं। तो रोज पूजा करते हैं? रोज सुबह। सिर्फ चुनाव के लिए? अभी तो चुनाव के लिए चल रहा है जप। कैंडिडेटों के लिए? हाँ, प्रत्याशियों के लिए।